में 30 नवंबर 2022 और 30 नवंबर 2022 को बिहार की यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज और बिहार के एजुकेशनल न्यूज से संबंधित न्यूज जो भी होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है आप लोगों का, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज है, अर्थात LNMU से संबंधित न्यूज है। 14/11/2022 के आलोक में ये जारी किया गया है। देख लीजिए सेशन जिनका 2017-20 है या फिर 18-21 या फिर 19-22 या फिर 20-23 के छात्र जो किसी कारणवश परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन माध्यम से नहीं भर पाए हैं उन छात्रों का परीक्षा प्रपत्र ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आप लोग पूरा अगर जानना चाहते हैं तो इस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका कटिंग प्रोवाइड कर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पार्ट टू का संशोधित रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट नहीं, विद्यार्थियों ने किया हंगामा, ये मुंगेर यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज है, तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्नातक पार्ट थ्री में अब तक 16,146 विद्यार्थियों ने कराया नामांकन, जिसमें एक विद्यार्थी आप भी, अगर आपने एडमिशन नहीं कराया होता तो यहाँ पर अभी लिखा होता 16,145 छात्र। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों का, इंटर पास ही अब बनेगी आंगनबाड़ी सेविका। अब आंगनबाड़ी सेविका जो है इंटर पास होना, कम से कम इंटर पास होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो आंगनबाड़ी की सेविका बन सकती है। तो ये न्यूज आप लोगों को देनी थी। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों का, अग्निवीर 1-14 तक दानापुर में होगी भर्ती रैली अग्निवीर वालों का। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है गणित दिवस पर स्पर्धा 10 और 11 दिसंबर को होगा। कब होगा? 10 और 11 दिसंबर को। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है भगवा चौक का इतिहास है पुराना, ये खगड़िया जिला के अंतर्गत आता है, एक गोगड़ी अनुमंडल है उसमें भगवा चौक है, तो उसका इतिहास पुराना है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है परीक्षा से वंचित हुए छात्रों को मिलेगा मौका, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। मैट्रिक व इंटर पर वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वालों के लिए है, तो देख सकते हैं आप लोग न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों का, गेट का शेड्यूल हुआ जारी, ये IIT कानपुर ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियर 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया, तो आप लोग इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है मॉपअप के लिए च्वाइस फिलिंग शुरू, ये मेडिकल कॉलेज से संबंधित न्यूज है, तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है VC ने डिग्री वितरण के दिए आदेश, ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज है कि वहां के VC ने डिग्री वितरण करने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अनुमंडल के स्कूलों में कई वर्षों से एक ही बर्तन में बन रहा है MDM, देख सकते हैं क्या हालत है, एक ही बर्तन में अभी तक MDM बन रहा है, अर्थात मिड डे मील स्कूलों की बात है ये। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्नातक पार्ट थ्री में अब तक 16,146 छात्रों ने लिया नामांकन, अलग पेपर के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्क्रूटनी रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने मुंगेर विश्वविद्यालय पहुंचकर किया हंगामा, ये भी देख लीजिए, अलग अलग पेपर के कटिंग के माध्यम से आप लोगों को न्यूज प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है DJ कॉलेज के BCA विभाग व जिम का कुलपति ने किया शुभारंभ, कुलपति ने शुभारंभ किया है जिम व BCA विभाग का। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हिंदी परीक्षा में भाषा की शुद्धता पर दे ध्यान, ये हिंदी में का एग्जाम जो भी देते हैं उन लोगों के लिए है ये टिप्स। नेक्स्ट बस इतनी जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो आप लोगों अगर ये सारा कटिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये सारा PDF 30 नवंबर 2022 को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को वहीं पर मिलती है। थैंक यू।